हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक किशोर है और मैं 15 सितंबर को भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया था। उसके बाद हमने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है, कल ही पटना बार काउंसिल में। तो आज हम बात करेंगे कि बार काउंसिल में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है बिहार में, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने LLB किया हुआ है और आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 के बगल में पटना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जो बिहार स्टेट बार काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और अगर आप जब रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सबसे पहले आपको 7 डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। पहला है जो मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, LLB का आपका, अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल, अदरवाइज प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। एंड LLB के समय आपको एक कॉलेज ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया होगा, वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर ये 7 डॉक्यूमेंट है, तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात आती है इसकी फ़ी की। तो बिहार बार काउंसिल ने फ़ी को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है जो एक नॉर्मल कोई अगर LLB किया हुआ है और 45 साल से नीचे हैं, तो जनरल कैटेगरी को 21,200 लगेंगे। टोटल 4600 फ़ी है और बाकी जो 16,000 समथिंग है वो आपको जमा करना पड़ेगा। दूसरा है SC ST कैटेगरी के लिए 16,700 फ़ी है, BC NXR1 के लिए 19,700 फ़ी है, और अगर आप 45 साल से ऊपर हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 30,700 रुपये आपको लगेंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं और 45 साल से ऊपर हैं तो आपको 27,700 रुपये लगेंगे। अब एक कैटेगरी ये ऐसे लोगों का भी आता है जो किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और उन्होंने LLB किया है और वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनका फ़ी 43,200 है, जिसमें 4600 रुपये फॉर्म के हैं और 38,600 रुपये आपको फ़ी के रूप में लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो सबसे पहले आपको पटना हाई कोर्ट के जो गेट नंबर 4 के पास में, वहाँ बार काउंसिल के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर पे उसका ऑफिस है। वहाँ जाएंगे तो आपको टोटल 6 चलान आपको मिलेंगे। अगर केवल आप फॉर्म लेना चाहते हैं तो आपको 2 ही चलान भरना पड़ेगा, और अगर आप एक ही साथ एक ही दिन में टोटल फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो टोटल आपको 6 चलान जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्म लेने के लिए आपको 2 चालान भरने पड़ेंगे, 2,000 रुपये के, एक 2,400 के और एक 2,200 के, टोटल 4,600 के। तो अगर आप 4,600 का चालान जमा करके और आपको फॉर्म मिल जाएगा वहीं पे, और नीचे आपको उसके साथ साथ 4 किताब आपको बार काउंसिल की तरफ से, जो बिहार बार काउंसिल जर्नल है, वो आपको 4 जर्नल मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं और आपने कैश आप पूरा पैसा लेके गए हैं, तो आप वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है, वहाँ पे आप चालान जमा कर सकते हैं, और चालान जमा करके आप फॉर्म फिलअप करेंगे। और एक बात है कि फॉर्म में आपको 100 रुपये का एक कोर्ट फी लगाना पड़ेगा और 25 रुपये का वेलफेयर फंड का, उसमें एक टिकट आता है उसको लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 2 एडवोकेट जो जिन्होंने 10 साल का प्रैक्टिस कर रखा है, उनसे अभी आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप बगल में ही जाके करा सकते हैं। और सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी जेरोक्स कराना है और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उस 5 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। वो 5 फोटोग्राफ्स एडवोकेट के ड्रेस में होना चाहिए, मतलब कि आपका ब्लैक कोट जो पहनते हैं, और बैंड होना चाहिए, टाई वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। और ये अगर हैं आपके, तो आप वहीं पे फॉर्म सारे फिलअप करके और एक ही दिन में जमा कर सकते हैं। मतलब अगर आप सब कुछ आपका रेडी है, तो ये मुश्किल से 2 से 3 घंटे में आपका सारा चीज़ हो जाएगा।
थैंक यू।